हेलो साथियों, स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम नर्सिंग इक्विपमेंट और उनके यूज के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, इससे होगा क्या, आपको तो एग्जाम में पूछेगा ही, तो इसका उपयोग लिखे। उसके बाद दोस्तों, आपका जो प्रैक्टिकल होगा वहाँ पर जब आप जाएंगे, तो दोस्तों आपके सामने कुछ इक्विपमेंट रखा रहेगा, उसका नाम बताना है, जो कि इन सब हम जानेंगे इन सब के बारे में, जिससे आपको प्रैक्टिकल में भी आपको यूजफुल होगा, हेल्प होगा, और दोस्तों एग्जाम में तो पूछेगा ही। तो साथियों, आप लोग जरूर देखिए, फर्स्ट ईयर वाले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम सारे के सारे जो भी उपयोग होता है, इंपॉर्टेंट है, वो सारे के सारे बारे में हम जानेंगे, इक्विपमेंट के बारे में, उनके काम के बारे में। और साथियों, जिससे होगा क्या कि आपको सारे के सारे एग्जाम में पूछा जाएगा, और उसके बाद दोस्तों आपको जो है प्रैक्टिकल में काम आएगा। चलिए करते हैं शुरू। साथियों, मैं यहाँ पे बता दूँ आप सभी को, पहला है स्टेथोस्कोप। यहाँ दोस्तों, स्टेथोस्कोप का काम क्या है, उपयोग क्या है, देखते हैं। तो इसका उपयोग है शारीरिक ध्वनि को सुनने के लिए किया जाता है। दोस्तों, स्टेथोस्कोप जो आला होता है, आप लोग देखते हैं डॉक्टर लोग अक्सर अपने कानों में लगा के आपके हृदय के सुनता है आसपास के, तो ही कहता है। स्टेथोस्कोप का क्या काम होता है, तो इसका उपयोग होता है शारीरिक ध्वनि को सुनने के लिए किया जाता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, शारीरिक ध्वनि सुनने के लिए स्टेथोस्कोप। इसका फिगर देख सकते हैं, इस प्रकार से है। आपको प्रैक्टिकल में कैसे पूछेगा, सामने रखा रहेगा आपका, उसका नाम बताना रहेगा उस इक्विपमेंट का। तो ये है स्टेथोस्कोप, देख लीजिए अच्छे से। जिनको पीडीएफ चाहिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, हमें पीडीएफ उनको वहाँ पे दे देंगे सीधा सीधा। अब दोस्तों नेक्स्ट, चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे आप सभी के बीच में। दूसरा है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे, दूसरा है वजन मशीन, वेटिंग मशीन। दोस्तों, इसका उपयोग व्यक्ति का वजन तौलने के लिए किया जाता है, देख सकते हैं इस प्रकार से। ये है ये वेटिंग मशीन, इसको कहते हैं। यहाँ पे इंडिकेटर होता है, जहाँ पे आपका जितना वजन हो यहाँ पे दर्शाता है। तो वजन मशीन का क्या काम है, शरीर का वजन को तौलना। उसके बाद साथियों, ये है आप सभी देख सकते हैं, तीसरा में है ऑटोस्कोप। जी हाँ दोस्तों, ऑटोस्कोप का क्या काम है, कान की जांच करने के लिए ऑटोस्कोप यंत्र का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, एक कान में लगाकर देखा जाता है कि कान क्या है, साफ है, नहीं है, क्या कैसे है। तो ऑटोस्कोप का क्या काम होता है, कान की जांच करने के लिए। तो ध्यान दीजिए, ये है हथौड़ा के जैसे है, और एक साइड नुकीला है, एक साइड यहाँ पे चौड़ा है, जहाँ से देखा जाता है कि कान में क्या है, और ये कान में लगाया जाए, ये भाग कान में लगाया जाता है अंदर, और इससे देखा जाता है ऊपर से। तो दोस्तों, ये हथौड़ा टाइप का है ऑटोस्कोप, जिसके कान के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे चौथा है आप सभी के सामने, योनि स्पेकुलम। जी दोस्तों, वेजिनल स्पेकुलम मतलब क्या होता है दोस्तों, उपयोग क्या है। तो योनि स्पेकुलम स्त्रियों के जननांगों के परीक्षण के लिए हेतु इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, यही है एनी स्पेकुलम। ये जो है दोस्तों, जो स्त्री होता है उनके जो आंतरिक इंटरनल पार्ट होता है, जननांग होता है वैजिनल, दोस्तों उसके हम जो है उपयोग के, मतलब जांच के लिए, परीक्षण के लिए ये योनि स्पेकुलम काम किया जाता है। जैसे देख सकते हैं वैजिनल स्पेकुलम, मतलब नाम से ये स्पष्ट है, मतलब वैजिनल मतलब योनि, योनि स्पेकुलम स्त्रियों के अंग के लिए किया जाता है यूज। तो दोस्तों देख सकते हैं, अगर आसपास रखा रहेगा प्रैक्टिकल में इस प्रकार के यंत्र, तो समझ जाइएगा ये योनि स्पेकुलम है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, पांचवा है आप सभी के बीच में, कहता है लेरिंजोस्कोप। जी दोस्तों, लेरिंजोस्कोप देख सकते हैं, कहता है लैरिंग्स व गले के निरीक्षण हेतु लेरिंजोस्कोप का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे, ये है जो हम लोग टिपते हैं पानी, जो टिप के रखते हैं, उसी प्रकार से देख सकते हैं, ये इधर से निकला हुआ है, आगे से है, और ये पूरा के पूरा बोतल टाइप से है। तो देख सकते हैं इस प्रकार से है लेरिंजोस्कोप, जिसका उपयोग लैरिंग्स व गले के निरीक्षण के लिए किया जाता है, गले के टेस्ट के लिए। उसके बाद दोस्तों आगे जानते हैं ऑप्थेमेलोस्कोप। जी दोस्तों, ऑप्थेमेलोस्कोप का क्या कारण होता है, तो आँख व उसकी सहायक संरचनाओं को देखने के लिए इसका उपयोग या इस्तेमाल किया जाता है। देखिए दोस्तों, जो आँख कान का चेक करने वाला था दोस्तों, देख सकते हैं, तो वो थोड़ा मुड़ा था, और ये आँख चेक करने वाला है तो ये सीधा टॉर्च के समान है, देख सकते हैं। तो दोस्तों ये है क्या है, ऑप्थेमेलोस्कोप है, जिसे दोस्तों आँखों और उसके आसपास के जो भी आँख का संरचना होता है उसके देखने के लिए इसका काम किया जाता है, किसका, ऑप्थेमेलोस्कोप का। दोस्तों नेक्स्ट है आप सभी के बीच में, कहता है जिह्वा दाबक, मतलब टंगू डिप्रेसर। जी दोस्तों, टंगू डिप्रेसर है, मुंह एवं कंठ के परीक्षण करने हेतु इसका उपयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये आपके मुंह में लगाया जाता है, अगर आपके कोई प्रॉब्लम होता है दोस्तों, जैसे कोई छाला वगैरह हो जाता है, तो यही लगा के देखने का काम किया जाता है। डॉक्टर स्पष्ट रूप से ये लगा के देखते हैं आपके मुँह के छाला या दाँत का जो भी प्रॉब्लम होता है, वो इससे देखते हैं, या कंठ में भी छाला होता है तो इससे देखा जाता है स्पष्ट रूप से। तो वही है दोस्तों, टंगू डिप्रेसर, मुंह एवं कंठ का परीक्षण हेतु। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे आठवां नंबर है आप सभी के बीच में, प्रोक्टोस्कोप। जी दोस्तों, प्रोक्टोस्कोप क्या होता है, तो दोस्तों जो प्रोक्टोस्कोप है, मलाशय के परीक्षण
जी हाँ दोस्तों, मलाशय के परीक्षण व कुछ चिकित्सा प्रक्रियाओं हेतु प्रोक्टोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों देख सकते हैं इसका संरचना इस प्रकार से है, मतलब देखिए इधर से टिपने वाला है, ये बंदूक के नाली जो होता है टिगर होता है उसके समान है, इधर से टिपने वाला है, प्रेस करने वाला है, ये रखने वाला है और ये आगे से इसका ये है, तो बंदूक के समान इसका संरचना है। तो मलाशय यानी ये प्रोक्टोस्कोप का बंदूक के समान संरचना है जो मलाशय होता है उसके और उसके चिकित्सीय प्रक्रियाओं के प्रयोग हेतु किया जाता है। नेक्स्ट आप सभी के बीच में हम बात करते हैं साथियों, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे कहता है नेजल स्पेकुलम। जी दोस्तों, नेजल स्पेकुलम क्या है देखिए इसके बारे में, तो नेजल स्पेकुलम का प्रयोग नासा छिद्रों के परीक्षण हेतु किया जाता है। दोस्तों जो नेजल स्पेकुलम है उससे आपको क्या होता है, नासा छिद्रों के परीक्षण हेतु किया जाता है, जो जो नासा वाला छिद्र नस छिद्र होता है दोस्तों उसके ये परीक्षण के लिए काम में आता है। तो देख सकते हैं चिपटा की तरह है पकड़ने वाला, यही है नोजल स्पेकुलम, इस प्रकार से संरचना है इसका और ये नासा छिद्रों के जाँच हेतु काम में आता है। नेक्स्ट साथियों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, नेक्स्ट में है कहता है दसवां में है ट्यूनिंग फोर्क। जी दोस्तों, ट्यूनिंग फोर्क का क्या उपयोग है, तो इसे स्वरित्र, जी दोस्तों इसे स्वरित्र भी कहते हैं, यह श्रवण शक्ति का परीक्षण हेतु उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये जो है ट्यूनिंग फोर्क है, देख सकते हैं यहाँ पे जो रोटी हम लोग उठाते हैं ना चिमटा टाइप से, उस प्रकार से देख सकते हैं बनावट इसका। और दोस्तों ये ट्यूनिंग फोर्क है, ये कान में लगाया जाता है और इससे दोस्तों आपका जो भी सुनने की क्षमता होता है उसको ये जाँच किया जाता है, मतलब आप बहरा है क्या है कम सुनते हैं तो इसी ट्यूनिंग फोर्स से जांच किया जाता है कान का। उसके बाद दोस्तों है 11 नंबर है रक्तचाप स्फेग्नोमीनोमीटर। दोस्तों व्यक्ति का ब्लड प्रेशर मापने हेतु इसका उपयोग किया जाता है, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि रक्तचाप मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो स्फेग्नोमीनोमीटर का, और यही है स्फेग्नोमीनोमीटर, इससे तो बहुत सारे लोग क्या होंगे वाकिफ होंगे। जी हाँ दोस्तों, जिसको हम बीपी भी कहते हैं वही ब्लड प्रेशर होता है। अब दोस्तों 12 नंबर है, देखते हैं 12 नंबर फीटोस्कोप। फीटोस्कोप क्या होता है दोस्तों, यह गर्भस्थ शिशु की हृदय ध्वनि सुनने में काम आता है। देखिए दोस्तों, जब बच्चा गर्भ में रहता है तो उस समय क्या होता है, फीटोस्कोप से उसके ध्वनि को सुनने में, हृदय ध्वनि को सुनने में काम किया जाता है, ताकि बच्चा का स्थिति कैसा है, सही है नहीं है, इसे फीटोस्कोप से सुना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, फीटोस्कोप आएगा तो शिशु जो गर्भ में बच्चा रहता है उसे सुनने का काम में आता है हृदय का। अब दोस्तों 13 नंबर है बैक रेस्ट। दोस्तों ये पूछेगा तो ये आपको लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन में पूछेगा कि बैक रेस्ट का क्या काम होता है, या दोस्तों बैक रेस्ट का उपयोग पूछ देगा एक नंबर में भी कि बताइए क्या है। तो दोस्तों यह मरीज के बैठने के समय काम में आता है, इसे मरीज की पीठ को सहारा व आराम से बैठने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका उपयोग मरीज को फाउलर्स या कार्डियक स्थिति प्रदान करने के लिए किया जाता है। देखिए दोस्तों, बैक रेस्ट का काम है कि इससे व्यक्ति को क्या होता है, मरीज को सही से बैठने व मरीज के पीठ के सहारा, बैक रेस्ट है मतलब पीछे से आराम है, तो देखिए समझ ही सकते हैं कि बैक मतलब पीठ जो होता है पीछे ही है, उसके सहारा और आराम प्रदान से सहारा प्रदान करने और आराम से बैठने के लिए किया जाता है। तो इसका उपयोग जो है दोस्तों फाउलर्स पोजिशन होता है वहाँ पर, और कार्डियक पोजिशन होता है उसमें देने के लिए किया जाता है बैक रेस्ट का। तो आप लोग समझ गए होंगे यही है बैक रेस्ट, इसे पीछे लगाकर व्यक्ति के आरामदायक और पीठ के आरामदायक दिया जाता है, और ये फाउलर्स पोजीशन और कार्डियक पोजीशन में भी इसका उपयोग किया जाता है, तो यही है बैक रेस्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर साथियों। 14 नंबर है कहता है मैं बैक क्रेडल। जी हाँ दोस्तों, ये भी बहुत पूछा है बैक क्रेडल, इसे मरीज के ओढ़ने वाले कपड़ों यानी कंबल चादर के भार से बचाने के लिए किया जाता है। देखिए दोस्तों, जो व्यक्ति जला होगा उसमें ज़्यादातर उपयोग होता है। अब मान गए ये व्यक्ति यहाँ पे दोस्तों ये लीटा हुआ है, ये लीटा हुआ व्यक्ति है, कोई जला हुआ व्यक्ति है लीटा हुआ है, इस पर अगर आप कंबल ओढ़ाते हैं, जला हुआ व्यक्ति को तो कोई कपड़ा नहीं पहनाया जाता है क्योंकि उसको बहुत परेशानी होगी, उसके लगेगा स्किन में, तो इसलिए क्या होता है दोस्तों ये इस प्रकार से इसके बेड पर, मानिए यहाँ व्यक्ति सोए हुआ है तो इसके बेड पर ये ब्रेड कैडल ऐसे लगाया जाता है और ये जाली टाइप से रहता है, और दोस्तों क्या होता है कि ये लगाया जाता है और कपड़ा फिर ऊपर से ढक दिया जाता है, जिससे होता क्या है कि कपड़ा मरीज के देह में टच नहीं करता है और इसी ब्रेड कैडल पर कपड़ा जो है ऊपर से अड़ जाता है। तो ही कहता है इसे मरीज के ओढ़ने वाले कपड़ों कंबल चादर के भार से बचाने के लिए, तथा मरीज द्वारा ओढ़े गए कपड़ों को मरीज के शरीर के संपर्क में आने से रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम बताए भी है कि यहाँ मरीज सोए हुआ है, कोई जला हुआ व्यक्ति है या घाव वाला व्यक्ति है, उसे कपड़ा बहुत दिक्कत करेगा, तो उसके लिए ब्रेड कैंडल का उपयोग किया जाता है, ऊपर से उसके शरीर के ऊपर ब्रेड कैंडल रख दिया जाता है और फिर उसके ऊपर कोई चादर कोई कंबल रखा जाता है जिससे उसके शरीर में वो चादर कंबल टच ना करे।
अब दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे देखिए जले हुए मरीज के मामले में प्लास्टर कास्ट को सुखाने के लिए ऊष्मा प्रदान करने के लिए। अब देखिए दोस्तों, अगर कोई, आप सभी समझिए कोई प्लास्टर कास्ट क्या होता है दोस्तों, कोई मरीज है उसका हाथ या पैर फ्रैक्चर है या उसका कमर फ्रैक्चर है, वहाँ पर अगर मान के उसे प्लास्टर किया गया है तो प्लास्टर शुरू में क्या होता है, भीगा रहता है, कपड़ा रखेगा उसमें लगेगा, तो इसलिए भी उसका उपयोग किया जाता है, उसके शरीर पर रख देगा ऐसे, फिर कपड़ा रखेगा तो उसके शरीर में टच नहीं करेगा। वैसे इसका रचना देख सकते हैं यही है, यहाँ पे मरीज, इसके अंदर मरीज रहेगा, ऊपर से रहेगा और फिर इसके ऊपर से क्या होगा, कपड़ा होगा, तो ये मरीज में टच नहीं करेगा। तो इस प्रकार से ब्रेड क्रैडल है, देख सकते हैं ब्रेड क्रैडल, मतलब इसको बेड क्रैडल कहते हैं, जो कि मरीज के ऊपर रखा जाता है। अब दोस्तों देखते हैं 15 नंबर है, देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे कहता है हवाई गद्दा, एयर क्वेश्चन। जी दोस्तों, एयर क्वेश्चन पूछा भी जाएगा शॉर्ट शॉर्ट नोट्स में भी। तो दोस्तों हवाई गद्दा होता है, इन्हें मरीज के शरीर की त्वचा के सीधे संपर्क में नहीं लाना चाहिए। दोस्तों जो हवाई गद्दा है, एयर क्वेश्चन है, उसे मरीज के जो स्किन होता है उसके संपर्क में सीधा नहीं लाना चाहिए। इस पर कोई खोल या कवर अवश्य चढ़ाकर रखना चाहिए। जो एयर क्वेश्चन होता है दोस्तों, उसके ऊपर कोई खोल या कोई कवर चढ़ाकर रखना चाहिए, क्योंकि मरीज के त्वचा के संपर्क में इसको लाना नहीं है। इसमें हवा भरकर फुलाया जाता है। इसका उपयोग शरीर के किसी भाग पे भाग से दबाव को हटाने तथा शरीर के भाग भार को हटाने के लिए किया जाता है। दोस्तों हवाई जो गद्दा है, एयर जो क्वेश्चन है, इसका उपयोग आप लोग यहाँ पे देखिए, इसका उपयोग शरीर के किसी भाग से दबाव हटाने तथा शरीर के भार को हटाने के लिए किया जाता है। मतलब शरीर में बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा भार है, और दोस्तों जकड़न है, और उसके शरीर के अगर मान के किसी भी भाग में दबाव महसूस कर रहा है पेशेंट, या शरीर के संपूर्ण भाग में दबाव प्रेशर महसूस कर रहा है, तो उसका उपयोग एयर क्वेश्चन के द्वारा करके उनके शरीर को हल्का किया जाता है। अब दोस्तों चलिए, यही है एयर क्वेश्चन, देख सकते हैं एक मैट की तरह है, जिसमें एयर क्या है, एयर फिल रहता है पूरा एयर क्वेश्चन में। और दोस्तों ये चार्जिंग है, देख सकते हैं यहाँ पे, एक क्या होता है दोस्तों, इस पे मरीज को क्या होता है, लेटाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस पे मरीज को लेटाया जाता है, जिसपे ये जो प्रेशर होता है शरीर का, वो क्या होता है, कम होता है। अब दोस्तों मैं बता दूँ, कहता है कि इसके संपर्क में स्किन को सीधा नहीं लाना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों इससे नुकसान हो सकता है पेशेंट को, तो यही कहता है इस पर कवर लगाकर रखना चाहिए, जिससे स्किन संपर्क में ना आए, और इसका उपयोग शरीर के संपूर्ण भार या शरीर के किसी अन्य भाग पे दाब को कम करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों यही है ईयर क्वेश्चन। अब दोस्तों ये 15 था यहाँ पे इक्विपमेंट, 15 पिक्चर, उसके बारे में जाने हैं उपयोग और वो है क्या, तो उसके बारे में जाने हैं। पीडीएफ लेना है तो आइए इंस्टाग्राम पे, जरूर देंगे पीडीएफ। बाकी दोस्तों जो लोग इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं फर्स्ट ईयर वाले, जरूर देखिए, ये आप देख लीजिए जाकर क्वेश्चन बैंक में, जो भी पूछा हुआ है इसके अंदर से ही। तो साथियों यहाँ पे जो है 16 नंबर में कहता है रेत की थैली, सैंड्स बैग, आप सभी को पूछा जाता है ये प्रश्न बार बार कि सैंड्स बैग का क्या उपयोग है। तो दोस्तों इसका उपयोग है मरीज के शरीर के किसी भाग को स्थिर करने या दोस्तों गतिहीन करने के लिए किया जाता है, जैसे फ्रैक्चर में फुट ड्रॉप व रिस्ट ड्रॉप को रोकने के लिए। जैसे दोस्तों अब मानिए रेत की थैली है, तो ये देख रहे हैं इस प्रकार से इसका चित्र होता है, तो ये थैली बैग में रेत जो बालू होता है उसको भर कर रखा जाता है, और उसमें अगर आपका कोई भी चीज़ फ्रैक्चर है, पैर फ्रैक्चर है, तो दोस्तों उसमें क्या होता है, पैर को बालू में पैर को धंसा कर और उससे जो भी बैग है बालू का उसमें रखा जाता है, और फुट ड्रॉप में और उसके बाद रिस्ट ड्रॉप में इसका उपयोग किया जाता है। सीधी सीधी बात है कि यह हिलने डुलने से रोकता है, जिससे ये क्या होता है, आसानी से वो आराम मिलता है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे आप सभी के बीच में दोस्तों 17 नंबर है कार्डियक टेबल। अब देखते हैं कार्डियक टेबल का क्या काम है मेडिकल क्षेत्र में। तो साथियों यह टेबल हृदय ग्रस्त रोगी के उपयोग में लाई जाती है। दोस्तों ये जो टेबल है हृदय के जो बीमारी होता है, जो मरीज है उसके लिए, इस टेबल को मरीज के बिस्तर के ऊपर मरीज के सामने रखा जाता है। इस पर रोगी अपना सिर व हाथ रखकर आराम से बैठ सकता है। अब जैसे कि देखिए दोस्तों, जिसके अगर हृदय का प्रॉब्लम होगा तो दोस्तों उनको क्या होता है कि ये कार्डियक टेबल दिया जाता है, जिससे वो क्या करते हैं, अपना हाथ या अपना सर रख के आराम से बैठ सकते हैं। सर कहाँ रखना है देखिए, इस प्रकार से ये होता है कार्डियक टेबल, बेड पे उनको रखा जाता है। इस टेबल को छोटा सा होता है, उस पे हाथ और सर रख के आराम से मरीज बैठ सकता है। उसके बाद दोस्तों है यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे जो है अगला 18 नंबर है बेड पेन है वह यूरिनल है। जी हाँ दोस्तों, बेड पेन एंड यूरिनल, तो इसका क्या काम है देखते हैं दोस्तों। इसका उपयोग होता है बिस्तर पर ही रहने वाले मरीजों के मल मूत्र त्याग के लिए किया जाता है। अब दोस्तों जो बेड पेन व यूरिनल होता है, नाम से स्पष्ट है कि बेड पेन यूरिनल, मतलब जिनको
चलने में या घूमने में या मलमूत्र त्याग के लिए अगर कहीं जाना है, तो जिनको जाने में परेशानी है, जो चल नहीं सकता है मरीज, उसके लिए बेड पे ही इसका व्यवस्था किया जाता है, बेड पेन को और यूरिनल को, ताकि ये है बेड पेन दोस्तों, और वो नीचे वाला है यूरिनल, जो कि एक जग के समान है और एक टब के समान है, छोटा सा बेड पेन, जो दोस्तों ये मूत्र का है और ये मल का है, जो मरीज नहीं चल पाते हैं, नहीं घूम पाते हैं, उनके लिए ये बेड पे ही उपलब्ध कराया जाता है, जहाँ पे वो अपने मल मूत्र का त्याग करते हैं। अब दोस्तों जो है फुट रेस्ट, फुट रेस्ट क्या है देखते हैं। यह मरीजों के पैर को आधार व सहारा प्रदान करता है। देखिए दोस्तों फुट रेस्ट होता क्या है, तो इसमें जो है दोस्तों पैरों का आराम, जैसे इसका हिंदी होगा, तो यह मरीजों के पैर जो होता है उसको सहारा देने के लिए आधार बनाता है। इसमें मरीजों के पैरों को आराम मिलता है तथा पाद पाद मतलब फूड ड्रॉप को रोकने को बचाने बचाव का काम करता है। यह पैरों की समान स्थिति बनाए रखने में मदद करता है। कार्यालय में भी लोगों द्वारा पैरों को सहारा देने के लिए भी फुट रेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे देखिए दोस्तों ये होता क्या है, देख सकते हैं फुट रेस्ट छोटा सा टेबल है, जो कि आमतौर पर इसका उपयोग क्या होता है, कोई बेड है वहाँ पर रख के और ऊपर से पढ़ने के लिए भी लोग करता है। तो ये होता क्या है, इस पर पैर सीधा रहता है, आराम से एक स्थिति में रहता है, जिससे पैर को आराम मिलता है, तो यही होता है फुट रेस्ट। अब दोस्तों हम देखते हैं 20 नंबर है, 20 नंबर में दोस्तों बेड ब्लॉक्स। यह दोस्तों बेड ब्लॉक्स क्या होता है, तो देख लेते हैं यहाँ पे। यह मरीज के पलंग को सिरहाने अथवा पैताने की ओर से ऊंचा उठाने के उपयोग में आता है। इसका उपयोग आघात से बचाने, रक्तस्राव को रोकने, एनीमा को शरीर के अंदर कुछ देर रखने के लिए आदि के लिए किया जाता है। अब जैसे दोस्तों क्या होता है, जैसे मान गए ये बेड है, तो दोस्तों अब ये मॉडर्न जो बेड आ रहा है हॉस्पिटल सब में, क्या होता है मरीज ऐसे लेटा हुआ है बेड पर, तो अगर ज़रूरत है तो इस बेड को ऐसे है तो थोड़ा इसको ऊपर से ऐसे उठा देता है, मतलब ये नीचे से ऊपर की तरफ उठा देगा। अगर पैर इसके साइड से ज़रूरी है उठाना, तो क्या करेगा, इधर से इसको उठाएगा, नीचे वाले को इधर इधर ऊपर कर देगा। तो ये बेड को उठाना है, बेड ब्लॉक्स, जिसमें मरीज को उसके अनुसार जो भी क्रिया करना होता है, आघात बचाना, रक्तस्राव रोकने, एनीमा कुछ देर तक देना है, तो बेड ब्लॉक्स यही होता है कि मतलब पैर के तरफ से या सर के तरफ से उठाना ही बेड को बेड ब्लॉक्स है। अब साथियों हम यहाँ पे बात करते हैं 21 नंबर है, पानी के गद्दे, वाटर मैट्रेस। तो दोस्तों इसका उपयोग अधिक मोटे या अधिक दुबले शरीर वाले मरीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए दोस्तों पानी के जो गद्दे हैं, अधिक जो मोटे होंगे उनके लिए और अधिक पतले होंगे उनके लिए उपयोग किया जाता है, क्योंकि ऐसे मरीजों को बिस्तरी घाव होने की संभावना ज़्यादा होती है। अब देखिए दोस्तों जो मोटा होंगे उनके भी बिस्तरी घाव होगा संपर्क में आने से, बेड के संपर्क में आने से, जो पतला होंगे उनको भी दिक्कत होगा। तो इन गद्दों पर शरीर द्वारा लगाया जाने वाला दबाव सब जगह बराबर बंट जाता है, इस कारण दाब जो है प्राण होने की संभावना कम हो जाती है, अथवा इसका सतह मुलायम होने के कारण घर्षण भी नहीं होता है। अब देखिए दोस्तों अगर खाली बेड पर आप सोते हैं तो क्या होता है, बेड में घर्षण आपके शरीर से लगता है, तो जो अधिक मोटे हैं या जो अधिक पतले हैं उनको दोस्तों घाव होने की संभावना अधिक रहता है। अब ये दोस्तों बेड पे पानी भर के, और कोई मैट्रेस है और उसमें पानी भर देगा, तो कोई व्यक्ति अगर दोस्तों सोता है तो पानी तो दोस्तों एक जगह पे स्थिर रहेगा नहीं, वो कभी इधर होगा, कभी इधर होगा, कभी इधर होगा पानी मैट्रेस में, तो उनको क्या होगा, आराम मिलेगा और जो है एक जगह पे स्थिर भी नहीं रहेंगे उनका शरीर, जिससे उनको घाव नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं 22 नंबर है, कहता है रबर तथा कॉटन के छल्ले। तो दोस्तों यह रबर के बने छल्ले होते हैं, इनका इस्तेमाल मरीज की कोहनियों या एड़ियों के नीचे लगाकर उन भागों से दबाव कम करने के लिए किया जाता है। अब देखिए दोस्तों रबर तथा कॉटन के छल्ले हैं, तो जिनको अगर केहनी है जो हड्डी वाला भाग होता है, नीचे एड़ी है जिसपे दबाव बनता है और उनको पेन होता है, तो उनको दोस्तों ये लगाने के लिए बोला जाता है, जिससे उनका जो दबाव होता है, पेन होता है, वो कम हो जाता है। अब दोस्तों हम यहाँ पे 23 नंबर देखते हैं, जग विधि नेंसल इन्हेलर। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। तो दोस्तों रोगी को दवा देने हेतु अंतः श्वसन कराने के लिए नेंसल इन्हेलर का उपयोग किया जाता है। दोस्तों अक्सर आप लोग देखते होंगे कि गांव में जिनका एज बहुत ज़्यादा हो जाता है और उनको दोस्तों दम्मा का, श्वास का प्रॉब्लम होता है, तो देखते होंगे उनको इन्हेलर दिया जाता है, एक जग के समान, उसमें दवाई भर के और वो श्वास खींचते हैं, उसमें से गैस निकलता है। तो यही है दोस्तों, इसी प्रकार से रहता है, जो कि ये नेंसल इन्हेलर विधि है, जिसमें रोगी को दवा देने हेतु अंतः श्वसन कराने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे 24 नंबर है, देख सकते हैं गर्म पानी की बोतल, मतलब हॉट वाटर बोतल। तो दोस्तों हॉट वाटर बोतल है, और रोगी के सिकाई करने में इसका उपयोग किया जाता है। इसमें भरे पानी का तापमान 120 फारेनहाइट से 145 फारेनहाइट होता है। तो आप लोग समझ गए हॉट वाटर का बोतल का उपयोग क्यों किया जाता है, तो रोगी की सिकाई के लिए किया जाता है, और इसका तापमान कितना होता है, 120 से 145 फारेनहाइट।
अब दोस्तों हम यहाँ पे देख सकते हैं 25 नंबर है, कहता है आइस बैग एवं आइस कॉलर, मतलब आइस बैग और आइस कॉलर का क्या काम है। तो दोस्तों उपचारात्मक उद्देश्यों के लिए स्थानीय या सामान्य दोनों ही रूपों में मरीजों के शरीर के सतह पर शीतल प्रयोग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों समान रूप से या असमान रूप से या जहाँ भी दोस्तों आपके शरीर में ठंडक नहीं है, मतलब ठंडक करने के लिए इस आइस बैग का उपयोग किया जाता है। अगर मान लिया किसी शरीर के भाग में आपको गर्माहट महसूस हो रहा है या शरीर में आपको टेम्परेचर बढ़ गया है तो इसी आइस बैग के थ्रू इसको समान किया जाता है टेम्परेचर को। अब दोस्तों है यहाँ पे 26 नंबर है थर्मामीटर, तो रोगी का तापमान नापने के लिए थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है, यही है थर्मामीटर। अब साथियों देखते हैं 27 नंबर स्विच बाथ क्या है। तो दोस्तों स्विच बाथ क्या है देखते हैं, इसमें रोगी को एक बड़े टब में बैठा देते हैं, उस टब में मरीज के जंघाओं के मध्य भाग में इलियक क्रेस्ट तक घोल भर दिया जाता है। घोल का तापमान 110 से 115 फारेनहाइट के बीच का रहना चाहिए। स्विच बाथ का प्रयोग पीड़ाजनक मासिक धर्म के उपचार हेतु, बवासीर के उपचार हेतु, श्रोणी के पेशियों को आराम दिलाने हेतु आदि के लिए उपयोग किया जाता है। दोस्तों इस प्रकार से देख सकते हैं ऐसे ही होता है। अब साथियों मैं बता देता हूँ स्विच स्नान होता क्या है। तो दोस्तों एक बड़ा सा टब है, कोई मरीज अगर पेन से बहुत कराह रहा है लोअर पेन से, तो दोस्तों उन या लोअर बैक पेन से, तो दोस्तों उनको ये टैब होता है, उस टैब में जो इलियक क्रेस्ट होता है, जो जंघा है उसके जो मध्य भाग है इलियक क्रेस्ट, वहाँ तक पानी भर दिया जाता है, उसमें मरीज को बैठा दिया जाता है और तब उनको स्नान कराया जाता है, जिससे टेम्परेचर होना चाहिए उस घोल का 110 से 15 फारेनहाइट, जिससे क्या होता है उनका शरीर का जो पेन है नीचे का वो सही होता है, आराम मिलता है, जिसमें बवासीर और मासिक धर्म बहुत सारे चीज़ों का पेन होता है उससे आराम दिलाने के लिए। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, दोस्तों ये सारे के सारे प्रेडिकल में भी काम आ सकता है, पूछेगा कि किडनी ट्रे क्या है, स्विच बाथ क्या होता है, तो ये सब बताना होगा। दोस्तों उसके बाद आता है किडनी ट्रे। किडनी ट्रे क्या है, तो यह किडनी की आकार की एक ट्रे होती है जिसमें रोगी की ड्रेसिंग और सर्जिकल अवशिष्ट पदार्थ आदि रखने काम आती है। अब देखिए किडनी ट्रे क्या होता है, देख सकते हैं दोस्तों किडनी ट्रे यह एक प्रकार से ऐसे बना हुआ है, देख सकते हैं, तो यही किडनी ट्रे है जो कि सर्जिकल देखते होंगे आप लोग, इसमें सीजर वगैरह जो सिले होने का जो टीचिंग करने का जो होता है दोस्तों, ये सारे चीज़ इसमें रखा जाता है, सर्जिकल इक्विपमेंट जो कि एक ओटी में होता है। अब हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पे 29 नंबर है, करता है आर्टरी फोर्से क्या है दोस्तों। तो दोस्तों आर्टरी फोर्पेस क्या है, तो यह रोगी की ड्रेसिंग करने व मुंह की सफाई आदि में उपयोग किया जाता है, किसका, आर्टरी फोर्सेप्स का उपयोग किया जाता है ड्रेसिंग करने व मुंह की सफाई करने हेतु। उसके बाद दोस्तों मास्क क्या है, तो यह संक्रमण रोग जैसे कोविड-19 सार्स इबेला आदि से बचाव करता है, कौन, मास्क। मास्क क्या है, संक्रमण से बचाव करता है, इसमें विभिन्न प्रकार के वायरसों से बचाता है। उसके बाद दोस्तों हाइड्रोजन पैरा ऑक्साइड, यह एक एंटी माइक्रोबाइल एजेंट है जिसमें घावों के सफाई में काम आता है, हाइड्रोजन पैरा ऑक्साइड। उसके बाद दोस्तों पीलो है तकिया, रोगी के आराम व अंगों को सहारा प्रदान करने के लिए तकिया का काम होता है। अब साथियों एक है नी रेस्ट, तो नी रेस्ट इसे नी ब्रेस भी कहते हैं, नी रेस्ट को, जिसे घुटनों की चोट का बचाव किया जाता है नी रेस्ट करके। तो दोस्तों ये था दोस्तों जो भी इम्पोर्टेंट यूजेज है, जो भी इक्विपमेंट था उसको हमने करा दिया यहाँ पे, किसका क्या काम था मेडिकल आर्टिकल का, तो सारा हो चुका है समाप्त, पसीवा दीजिए। और दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन सीधा सीधा आपको आएगा इस 30 में, आपको दोस्तों 10 नंबर पूछ भी सकता है, हमेशा पूछा जाता है इससे।